गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक तो वही है, सम ऑफ द सीरीज, है ना। एपी सीरीज का सम हम निकाल रहे थे, तो टॉपिक तो वही है, बट उसी के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और डिफाइन करते हैं। हम अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिए थे, अब भी कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा समझ करके क्वेश्चन को करना है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं पर भी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो प्लीज स्टूडेंट्स सी द वीडियो कंप्लीट एंड कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, देखिए करें तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या है आज के टॉपिक का, सम पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, वही जो हम एक एपी करवा रहे थे उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो को सीधी मत देखना, अगर इसे पहले वाली वीडियो आपने सम की नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पहले वो देखें उसके बाद इसे देखें। अब देखना क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन एन एपी, मतलब एपी के अंदर एक कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो क्या निकालना है, डी। तो पहले क्लियर हुआ क्वेश्चन में कि आपको डी फाइंड आउट करना है, हुज फर्स्ट टर्म इज 100, और फर्स्ट टर्म मतलब ए वन इक्वल्स टू आपको 100 गिवन है, एंड द सम ऑफ द हुज फर्स्ट सिक्स टर्म, जो फर्स्ट सिक्स टर्म है उनका सम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सिक्स टर्म फर्स्ट कौन सी होती है, जैसे ऐसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स हो गई ना, इन छह टर्म्स का सम तो क्या कहलाएगा, एस सिक्स कहलाएगा ना। पहले एस सिक्स निकाल ले, एस सिक्स निकालता हूं क्या आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, एस सिक्स फॉर्मूला क्या होता है, सिक्स बाई टू, याद कीजिए एन बाई टू, इंटू टू ए वन, टू इंटू ए वन मतलब टू इंटू हंड्रेड, प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, एन की वैल्यू छ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर तो हो गया थ्री, यहाँ पे हो गया टू हंड्रेड, प्लस में हो गया फाइव डी, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, 600 प्लस में 15D, ये रिजल्ट आया एस सिक्स का। ठीक है, आगे चलें, इज फाइव टाइम्स, मीनिंग बाद में बताऊंगा, द सम ऑफ द नेक्स्ट सिक्स टर्म, नेक्स्ट सिक्स टर्म, इससे नेक्स्ट क्या होंगे सिक्स टर्म, ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन और लास्ट में हो गया ए ट्वेल्व। अब ये काउंट करो, इससे नेक्स्ट सिक्स टर्म 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, मतलब इन टर्म्स का सम। तो मैं इन टर्म्स का सम तो नहीं निकाल सकता सीधा, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम निकाल सकता हूँ एस ट्वेल्व से, है ना। करो पहले, एस ट्वेल्व इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मैंने कंप्लीट 12 टर्म का सम निकाल लिया, पहले क्या आएगा, तो 12 बाई टू हो गया ना, एन बाई टू, टू ए वन, टू इंटू ए वन की वैल्यू 100, प्लस में 12 माइनस वन इंटू में डी, डी तो निकालना ही हमने, अब यहाँ पे तो आएगा 6 इंटू में यहाँ पे 200, प्लस में यहाँ आ जाएगा 11D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया 1200 प्लस में 66D, एस ट्वेल्व इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स बात तो ये है कि नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का निकालना है, नेक्स्ट सिक्स टर्म मतलब ये वाली, इन टर्म्स का निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू एस ट्वेल्व, और यहाँ से लेके यहाँ तक एस सिक्स, तो एस ट्वेल्व में से एस सिक्स लेस कर दूंगा, तो ये सम इसका नहीं बच जाएगा, क्लियर सी बात है ना, और वही हो गया नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का सम, है ना। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म इक्वल्स टू ये हो जाएगा एस ट्वेल्व माइनस के एस सिक्स, सीधी सी बात है। अब बोलो एस ट्वेल्व कितना है, यहाँ पे 600 प्लस में 15D माइनस यहाँ पे 1200, सॉरी ये तो गलत लिख दिया ना, पहले 1200 आएगा प्लस में 66D आएगा और माइनस में 600 माइनस 15D आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सो। अब करें 1200 में से 600 लेस हो गए तो 600 बचेंगे, और इसमें से ये वैल्यू लेस होगी तो प्लस के 51D बचेंगे स्टूडेंट्स, यही आएगा, क्लियर है।
तो ये हो गया नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का सम और ये हो गया फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम। अब सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है वो लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज नेक्स्ट सॉरी फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स यहां पे, ठीक है, एंड द सम ऑफ हुज फर्स्ट सिक्स टर्म इज, फर्स्ट सिक्स टर्म है यहां पे, तो क्या आएगा फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम। तो फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम तो हो गया ये वाला एस सिक्स, ठीक है, इज फाइव टाइम्स, ये फाइव टाइम्स है किसका, सम ऑफ द नेक्स्ट सिक्स टर्म। नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का सम ये है हमारे पास एस ट्वेल्व माइनस एस सिक्स हो गया, ये नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम है, ये फाइव टाइम्स है इससे, तो मैं इसको फाइव से कर दूं मल्टीप्लाई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कंडीशन है, ठीक है, रखो दोनों वैल्यू सोल्व कर दो। हाँ तो एस सिक्स की तो वैल्यू है यहाँ से 600 प्लस में 15D इक्वल्स टू यहाँ पे 5 इंटू इसकी वैल्यू है फिर से 600 प्लस के 51D हो गया, करें सोल्व। हाँ तो यहाँ तो आएगा 600 प्लस में 15D इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट ही कर लेते हैं ना, ये लो ना, कहोगे सॉर्ट कैसे करेंगे, हाँ तो मैं फाइव से इनको डिवाइड ही कर, दोनों को डिवाइड ही कर देता हूँ, लो हाँ तो फाइव से यहाँ डिवाइड करो क्या बचेगा, वन टू और ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो वन पे गया, हो गया ना, प्लस में कितना, इसको थ्री फाइव पे डिवाइड करेंगे 3D बचेगा, यहाँ पे 600 प्लस में 51D, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो 120 माइनस के 600 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 48D, ये 3 वहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 480, ठीक है ना, माइनस के 480 इक्वल्स टू 48D, हाँ तो ये कट होगा, तो आपको तो क्लियर दिख ही रहा है क्या वैल्यू आ रही है डी की, माइनस 10 आ रही है। तो इस ट्रिक से करेंगे, इजी रहेगा और इस तरह समझ के करना है क्वेश्चन को, ठीक है, ये रफली वक्त लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, एपीए कुछ नए रूल बताने वाले हैं इसके अंदर आपको, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी, शुरू के जो 24 टर्म्स हैं उनका सम आपने निकालना है, मतलब सॉल्यूशन में आपको एस 24 निकालना है और इसका मतलब यहाँ पे एन 24 हो गया, ठीक है, एस 24 निकालना है, एन 24 हो गया। आगे चलते, इफ इट इज नोन दैट, अगर ये पता है हमें तो, ये गिवन हमारे पास, क्या गिवन है, a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इक्वल टू 225, ये पता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इससे आपको सोल्व करना, और कुछ भी गिवन नहीं है, तब कैसे निकालेंगे थोड़ा सा वो सुने ध्यान से। मान लीजिए इस एपी के अंदर 24 ही टर्म्स हैं, तो शुरुआत A1 से हो गई, खत्म A24 पे हो गई, ठीक है, तो स्टूडेंट देखना एपी के अंदर एक रूल क्या होता है, एपी में आपको बताया गया रूल ये कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, डिफरेंस होगा वो सबका सेम रहेगा हमारे पास, और ये रूल भी होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं ऐड करता हूँ तो वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है, नहीं आया समझ में, देखो बताता हूँ आपको, ऐसे जैसे A1 A2 A3 A4 A5 और A6 मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करूँ, मैंने कहा मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करता हूँ, देखना फर्स्ट और लास्ट को A1 प्लस A6, तो ये किसके इक्वल होता है, सेकेंड और फिफ्थ इन दोनों के सम के इक्वल होगा, A2 प्लस A5 इक्वल टू किसके होगा, इन दोनों के सम के,
A3 प्लस में A4। एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है, अब देखें। हाँ तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 3 प्लस 18 इक्वल टू, ये फर्स्ट और लास्ट हो गई। सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म्स का सम 6 प्लस 15 इक्वल टू, और थर्ड लास्ट का टर्म कितना हो गया 9 प्लस 12। चेक करें सबका सम इक्वल है नहीं, 21 21 21, सेम है टर्म्स, समझ आया। तो इस तरह से मैं इनको लिख सकता हूं सोल्व करके, देखना क्या स्टूडेंट्स क्या लिखोगे। वी नो दैट इन एपी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम इक्वल टू सेकेंड सम ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म। ऐसे चलता रहेगा, हम ये बातें जानते हैं और ये सब इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाया कि ये कोई एपी सीरीज है तो ये बात होती है। एग्जांपल में ये कोई एपी लिखी है मैंने, तो इस अकॉर्डिंग देखो होल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना इसे। तो चले अब यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया इस सीरीज के अंदर A1 से लेके A24 तक के टर्म्स हैं। A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे A24 तक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का सम, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखूं, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का सम इक्वल टू, हो गया तक कि A1 और A24 का सम। अब आगे चलता हूं, ये किसके इक्वल होगा, तो आगे देखो मेरे पास वैल्यू क्या है, A5 है ना। अरे ठीक है स्टूडेंट्स, A5 है ना, तो A5 प्लस A20 के बराबर होगा। बताऊंगा देखो, A5 प्लस में A20, देखना कैसे। जैसे मैंने टर्म्स लिखी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। देखो ऐसा है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिटो समझ में आना चाहिए ना क्वेश्चन। तो मैं 24 टर्म्स लिख के दिखाता हूँ आपको। A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 24। ओके टर्म स्टूडेंट्स, हाँ तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होगा, इसका और इसका सम इक्वल होगा, इसका और इसका सम इक्वल होगा, इसका और इसका सम इक्वल होगा। तो आगे नंबर A5 का और किसका, A20 का सम इक्वल होगा, नहीं होगा, तो वही लिखा है A5 प्लस A20, क्लियर है, प्लस में। अब अगला जाओ, क्या बचा यहाँ पे, A10, तो आप देख लेना A10 और A15 का सम इक्वल होगा। देखें 6 के साथ ये बनाए कॉम्बिनेशन, 7 के साथ 18 बनाएगा, 8 के साथ 17, 9 के साथ 16, 10 के साथ 15, ये बनाए कॉम्बिनेशन, बन रही दोनों कॉम्बिनेशन। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू A10 प्लस में A15। समझ आया कि ये सारी बातें इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में A5 और A20, A10 और A15 की जगह पे, इन दोनों की जगह पे यही यूज कर लूं, पुट इन फर्स्ट, तो क्या बनेगा फर्स्ट में, A1 प्लस ये वाला A24 प्लस में, अब A5 और A20 की जगह भी मैंने यही रख दिया, A1 प्लस में A24 प्लस A10 और A15 की जगह भी यही रख दिया, A1 प्लस में A24 इक्वल टू 225। ठीक है, अभी सारे सेम सेम हो गए ना,
यहाँ पे कितना आएगा, 3 में a1 प्लस में a24 इक्वल टू 225, देन a1 प्लस में a24 इक्वल टू 75, वो 3 डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे क्या है? आई होप आया ही होगा, इतना बताने के बाद तो आना ही चाहिए समझ में। हम सोच रहे हैं कि फिर हमने यही वैल्यू यूज क्यों की, इसकी जगह पे हम ये दो भी तो यूज कर सकते थे। देखो हमने क्यों यूज किया, हमने निकालना क्या है S24, और S24 में क्या होता है देखो। नाउ S24 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 24/2 हो गया, ये तो n की वैल्यू हो गई। और आगे क्या होगा, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो 2a1 प्लस n माइनस n टू d होता है, लेकिन लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता है ना मेरे को क्या है, 24 ही तो लास्ट टर्म। हाँ तो क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये लो और देखो ये वैल्यू है नहीं मेरे पास यहाँ पे, समझ आया, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म में निकाली वैल्यूज, क्लियर है। हाँ तो ये कितना आएगा 75, ये 12 आ गया कट के, हाँ तो 12 में 75, ठीक है, 900 सामान्य वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। एस फर्स्ट 24 टर्म्स का सम 900 है अगर इस तरह से फॉर्म दी गई है, क्लियर है। ये सब रफली वर्क है, समझाया इधर मैंने ये वाला, ठीक है, ये आपको रफली है समझ में आना चाहिए, बस समझाया मैंने, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो एपी में ही नहीं आपको शो होगा, आप करेंगे तो फिर भी सोल्व करना है, देखना कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम निकालना है, विच नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, ना तो वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए और ना वो 2 से, मतलब शुरुआत 1 से हो गई और 1000 तक लेनी है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। करे तो देखो तो क्या आएगा, पहले तो ऐसे नंबर लिखते हैं हम, क्या आएंगे है ना, तो क्या लिखोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर by 2 and less than 1000 r। तो पहले ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे वो नंबर लिखता हूँ जो 1 से शुरू है और 1000 तक जाएंगे, ठीक है लिखो। देखो स्टूडेंट ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, पहला 1 होगा, सम ही निकालना है ना आपने सबका है ना, तो सम के लिए मैं शो करता हूँ, तो चलो पहले तो 1 ले लेता हूँ, 1 अगला क्या आएगा 3, अगला क्या आएगा 7, अगला क्या आएगा 9। ये देखो ये फर्स्ट लाइन में हमारे 1 से लेकर 10 तक ये नंबर है 1, 3, 7, 9, जो ना तो 2 से डिविजिबल होंगे ना 5 से, बाकी सारे होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 तो खुद से हो जाता है, 6 भी होता है 2 से, 7 लिख दिया 8 हो जाएगा, 9 लिख दिया 10, 2, 5 हो जाएगा, हो गया तक, आगे चलो। तो अब देखना यही डिजिट आएंगी नेक्स्ट टर्म्स के अंदर, 1, 1, 1, 3, 1, 7, 1, 9 डिजिट ये रहने वाली है। आगे 1 लगा दिया, हो गया, अब अगले टर्म्स के अंदर आगे 2, 2, 2 लगा दो, 2, 1, 2, 3, 2, 7, 2, 9 हो गया। ऐसे ही आगे 3 लगा दो, 3, 1, 3, 3, 3, 7, 3, 9 अब तो देखो स्टूडेंट्स यूं करते रहो, आपको इजी लगेगा ऐसे करने में है ना, आप इजीली बता सकते हो। अब लास्ट में आ जाओ, तो लास्ट में आप ना 1000 तक, तो लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, लास्ट में 99, 1, 99, 3, 99, 7, 999 ये लो, इन टर्म्स का सम निकालना है, हो गया, ये लास्ट लाइन चल पड़ी हमारे पास स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्या ये एपी है, देखना, अब 2 का गैप 4 का गैप, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 4 का गैप 2 का गैप, नहीं बन रही बात है ना, लेकिन इनका सम निकालते हैं, देखना कैसे होगा सम। तो क्या लिखोगे, 1 + 3 + 7 + 9 +
11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस अप टू लास्ट में 997 प्लस 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। मैंने बीसी टर्म्स थेरवाड़ी गायब कर दी, हो गया। देखो इनका सम निकालना ना आपने, अभी एपी तो है नहीं, लेकिन देखो मैं ट्राई करता हूँ बनाने की। इसको मैंने फर्स्ट ब्रैकेट बना दिया, समी तो है कैसे कर लो चाहे। इसको मैंने सेकंड ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट लाइन में ये टर्म्स आ रही है, सेकंड में ये, थर्ड में ये आ रही है, तो थर्ड वाले को मैंने ये बना दिया और लास्ट वाले को मैंने ये बना दिया, हो गया। सम करो इनका, इनका तो सम आता ही है 10 10 20। हाँ तो पहला सम क्या आएगा 20 प्लस में, अगला बोलो 30 यहाँ पे और स्टूडेंट्स 20 यहाँ पे, 10 10 10। हाँ ठीक है, 30 30 हो जाएगा, 60 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान नहीं रह रहा ना। प्लस में यहाँ पर देखो 20 20 20 20 80 दिए हो गए और 20 इन सबका सम है ही, तो ये हो गया 100 प्लस अप टू लास्ट में इन फोर टर्म्स का आ जाओ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ फोर टर्म्स का चलो कर ही लेते हैं 9 7 9 1 10 7 3 10 10 20 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखो 2 आपने ऐड करना है इसमें, किसमें 99 99 99 99, मतलब लगभग 400 हो गए। 400 में से कितने लेस होंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 4 लेस होंगे 400 में से, तो 396 हो गए, 2 ऐड होंगे 398, तो ये आएगा 398। आप कर लेना इनका सम, हो जाएगा आपसे इजीली, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3980 इसका सम आएगा। अब चेक करो ये एक एपी है या नहीं है, देखो 20 60 100 40 40 का सब में लास्ट तक 40 गैप मिलेगा आपको, बन गई ना एपी। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, एपी नहीं मिलती है, ट्राई करते हैं बनाने की, बनेगी एपी फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आप एपी तैयार है, अब बोलो इनका सम निकालना है। हाँ तो A1 = 20 A2 = 60 D = 40 आएगा। A1 A n = हो गया 3980, मतलब A1 है, D है, An है, n नहीं पता ना, तो पहले n निकालते हैं। Now A n = A1 + n - 1 × D, इसकी यहाँ वैल्यू रखो 3980 = A1 की वैल्यू 20 + n - 1 × 40, हो गया। हाँ तो यहाँ आएगा 3980 = 20 + 40 n - 40, यहाँ बचेगा 20, 20 माइनस के होंगे, इधर आएगा 20 प्लस का होगा, तो 3980 + 20 = 40 n हो गया, तो ये हो गया 4000 = 40 n, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया 1 पे, तो ये आ गया n = 100। कि इसमें यहाँ से जो शुरू किया हमने, इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ मत देखे ना ऊपर वाले, नहीं यहाँ जहाँ मैंने शुरू किया इसके अंदर 100 टर्म्स हैं, इसका सम निकाल रहे हैं। अब तो सम के लिए क्या होगा, अगेन एस एन मतलब एस 100 = 100/2, बट यहाँ इजीली हो जाएगा A1 + An। ठीक है, लास्ट टर्म तो A1 तो है 20 और प्लस में An है 3980, तो ये हो जाएगा 100/2 × 4000, 2 से ये कट हो गया 2 पे, 100 × 2000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5, ये सब आएगा। ठीक है, समझ आया कि 1 से लेके मतलब नेचुरल नंबर जो 1000 से लेस हैं और 2 से और 5 से डिविजिबल भी नहीं होते, एपी भी नहीं बनती हमारी, लेकिन फिर भी हमने उसको कुछ इस तरह सोल्व किया, एपी बनाई और एपी बना करके हमने उसका सम निकाला, तो ये सम आएगा आपका। क्लियर है, आई होप समझ आया होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर से, या एक बार वीडियो को फिर रिमाइंड कर लेना और फिर देख लेना, समझ आएगा डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ये सोल्व कराते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको भी देखने में बोरियत महसूस होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, कई तरह की बातें होती हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा बोर भी तो करता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि आपको बोर नहीं होने देंगे। अगर आपको समझ में आता है मैथमेटिक्स तो आप उसको बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्या है पहले वो डिफाइन करते हैं। देखिए ध्यान से, इफ़ द सम ऑफ एन, टू एन, थ्री एन टर्म्स ऑफ एन ए पी आर एस वन, एस टू, एस थ्री रेस्पेक्टिवली, वो मैंने नहीं लिखा वहाँ पे, ठीक है, मतलब लगातार इनके बारे में कि एन टर्म्स का सम तो एस वन गिवन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में आ जाओ, गिवन एस एन इक्वल्स, सॉरी एस वन इक्वल्स टू एस वन, ये गिवन है ना, एस वन किसका सम है, एन टर्म्स का सम है, एन टर्म्स का, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाई टू इंटू में टू ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एस टू इक्वल टू, एस टू किसका सम गिवन है, टू एन टर्म्स का, टू एन टर्म्स है तो एन की जगह टू एन बाई टू हो गया, एन की जगह हो जाएगा टू एन बाई टू, इंटू में टू ए वन प्लस में टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया, यहां पे ए वन फर्स्ट टर्म और डी डिफरेंस है इनका। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एस थ्री इक्वल टू, तो एस थ्री का मतलब क्या जाएगा, थ्री एन टर्म्स का सम है, तो यहां पे हो गया थ्री एन बाई टू इंटू में टू ए वन प्लस में यहां हो जाएगा थ्री एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, एस वन एस टू एस थ्री तीनों वैल्यू मिल गई मेरे को, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस, जो प्रूव करना है उसकी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड और फर्स्ट जो प्रूव करना है उसके ले रहा हूं, ये वाली है, तो क्या है ये, थ्री इंटू में एस टू माइनस एस वन इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा, तो थ्री सेम रखो एस टू की वैल्यू, एस टू की वैल्यू है टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a1 प्लस में 2n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और माइनस s1 की वैल्यू है n बाई टू ब्रैकेट 2a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, देखो हो गया दोनों वैल्यूज, इसमें 2 एलसीएम लेके बाहर लेके आओ, देन 3 बाई टू तो बाहर आ गया पहले एलसीएम लेके, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में से n भी कॉमन है, देन 3n by 2 बाहर आ गया यहाँ पे, हो गया, अब क्या बचेगा, ये मतलब ना 2 से 2 कट करना, नहीं 2 मैंने एलसीएम लेके निकाल दिया ना बाहर यहाँ पे, हाँ तो वैल्यू बची n by 2, n by 2 बाहर हो गया, 2 बचा ना, 2 से करो मल्टीप्लाई, देन 4a1 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 4nd माइनस 2d, ठीक है, माइनस में यहाँ पे बस ये तो बाहर हो गया, सीधा माइनस से होगा माइनस टू ए वन माइनस एन प्लस के डी, क्योंकि ये माइनस यहां पे गया तो माइनस और अंदर गया तो प्लस हो गया, अब यहां तो हो गया थ्री एन बाई टू, इसमें से लेस हुआ, देन टू ए वन प्लस में इस डी से डी लेस होगा, इससे ये लेस होगा, तो ये बचेगा थ्री एन डी और माइनस में ये बचेगा डी, यही हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे 3n by 2 ब्रैकेट में ये 2a1 सेम और प्लस में इन दोनों में से d कॉमन ले लो आप, देन 3n minus 1d, देखो तो मैच कराए, s3 यही है, कुछ और सेम रिजल्ट है ना, हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन तो फोर ही कराए हैं, लेकिन फोर के फोर जो क्वेश्चन थे सब में अलग अलग टाइप्स थे क्वेश्चनों के, थी ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कराया आज। तो स्टूडेंट देखिए, हम थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा है हम पढ़ाते रहे आपको समझ में ही ना आए, हम शॉर्टली फास्टली लेके चलते रहे सिलेबस को और आप कहोगे सर कुछ भी सब ऊपर से निकल रहा है, फ़ायदा क्या है,
इसीलिए मैं आपको 100 रुपये पढ़ा रहा हूँ, बट आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करें। अगर आप मिस कर जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने टॉपिक बताए हैं आई होप क्लियर हुए होंगे सारे जो क्वेश्चन हैं। इन्हीं के ऊपर बेस आप कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।